तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि मानदेय घोटाला में कई सिम्फर अधिकारियों व कर्मियों से यहाँ पर सीबीआई करेगी पूछताछ। चलिए देख लेते हैं क्या है वो इम्पोर्टेंट खबर। 1.39 अरब रुपए से अधिक के मानदेय घोटाला में केंद्रीय जाँच ब्यूरो, केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान के कई अधिकारियों व कर्मियों से पूछताछ करेगी। इसको लेकर एक सूची तैयार की गई है, साथ ही लाभान्वित हुए कर्मियों से राशि की निकासी के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। ऑल सैंपलिंग रिपोर्ट में कथित तौर पे यहां पर गड़बड़ी करने वालों से भी पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने सिम्फर में मानदेय मामले में हुई गड़बड़ी में कई दौर की जाँच की है। जांच के दौरान पता चला कि सिम्फर के पूर्व निदेशक डॉक्टर पीके सिंह तथा मुख्य वैज्ञानिक एके सिंह ने मानदेय राशि कई ऐसे कर्मियों के नाम पर भी ट्रांसफर कराया है जिसके वह हकदार भी नहीं है। यहां पर इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि धनबाद एवं डिगवाडी शाखा के कुछ अस्थायी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को भी राशि देने का आरोप है, जो कि नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। आगे ये बोला जा रहा है कि सूत्रों ने बताया कि जांच में पता चला है कि जिन कर्मियों के खाते में यहां पर राशि ट्रांसफर हुई है उनमें से अधिकांश ने राशि आने के बाद एक सप्ताह के अंदर ही लगभग यहाँ पर सारा जो पैसा है वो बैंक से नकद निकाल लिया है। सीबीआई ऐसे कर्मियों को नोटिस देगी, पूछा जाएगा कि आखिर क्यों राशि की तत्काल निकासी हुई है और उसे कहां खर्च किया गया है। सनद हो कि यहां पर सीबीआई ने सोमवार को मानदेय घोटाला में एक प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें सिम्फर के पूर्व निदेशक डॉक्टर पीके सिंह तथा मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर एके सिंह को यहाँ पर आरोपी बनाया गया है। अन्य को अज्ञात अभियुक्त बनाया गया है। पूर्व निदेशक पर यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा अमाउंट, दोनों के ऊपर ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा भारी अमाउंट डॉक्टर पीके सिंह और एके सिंह पर, इतना तगड़ा अमाउंट यहाँ पर देखा जाए तो उसका मानदेय का लेने का आरोप यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि आप गिनोगे भी तो उंगलियों पे आपकी उंगलियाँ कम पड़ जाएंगी। कॉल सैंपलिंग रिपोर्ट पर होती रही है आपत्ति। यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि इस मामले में कॉल सैंपलिंग रिपोर्ट में गड़बड़ी की बातें भी सामने आ रही हैं। अधिकांश पावर कंपनियों की शिकायत थी कि कॉल सैंपलिंग जांच रिपोर्ट में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही है। इसमें सिम्फर के कई अधिकारियों पर गड़बड़ी और कॉल कंपनियों से लाभान्वित होने का आरोप भी लगाया गया है। राशि वसूली हुई है तो फंस जाएंगे कई कर्मी। मंगलवार को दिनभर संस्थान के अंदर मानदेय घोटालों को लेकर चर्चाएं होती रही। छोटे कर्मी इस बात को लेकर संक्षिप्त है कि अगर राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई तो क्या करेंगे, कहां से राशि वापस करेंगे। फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट के एक आदेश के तहत राशि वसूली पर रोक लगी हुई है और अगर ये रोक हटाई जाती है तो सबके लिए यहां पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जोहार।